Brought to you by Agilis Diagnostics. Agilis Diagnostics. सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी और मासूम बच्चे की या किसी भी आदमी की कोई जान नहीं जानी चाहिए अगर यहाँ पे दो या तीन वुल्फ की प्रेजेंस है तो कम से कम सौ जैकल्स की भी प्रेजेंस है तो उसको भी रूल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी एनर्जी और टाइम भी मिल जाता है बट आपके माध्यम से मैं बस एक ही अपील करूंगा जो भी बारहबंकी बहराइच के यहाँ पे जो भी लोकल देख रहे हैं लोग कि जिनको भी आपको अगर कोई भी शक का थोड़ा सा भी दिखता है बिकॉज इट इज अ कैंडेट पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बड़ा क्लियरली कि कौन सा है कोई भी कैंडेड अगर आपको दिखता है जैसे जयाल दिखता है सीआर दिखता है मीडिया दिखता है कुछ भी आपको दिखता है इस टाइप का तो उसकी सूचना तत्काल एक नंबर पे करें बहराइच में भेड़िए की तलाश में लगातार टीमें लगी हु हमारे साथ में यहाँ पर डिप्लॉय डीएफओ जो है वो मौजूद हैं सर ये बताइए किस तरीके से आप इसको सर्विलांस के थ्रू पकड़ रहे है। हैं हम देख रहे हैं कि आप सीसीटीवी माफ कीजिएगा ड्रोन के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मूवमेंट ट्रैक होता है क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं देखिए जो कुछ दिनों से बहराइच में जो इंसीडेंट्स हो रहे हैं इसमें आइडियली हम डायरेक्ट साइटिंग्स करते हैं इनडायरेक्ट साइटिंग्स को इनको चेक करके हम असर्टन करते हैं कि कौन सा एनिमल है सबसे पहले इसको रूल आउट करना है और उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं आइडियली वी आर लुकिंग एट अ कनाइन स्पीशी है किसी कैनेट के बारे में हम देख रहे हैं पग मार्क्स हमने चेक किया है जहाँ पर भी इंसिडेंट हुआ था कल रात को जो बच्चे का उसके अगल बगल में हमारे कैनेट्स के पग मार्क्स भी हमें दिखे हैं और ये उसकी लोकेशन से जहाँ पर फिर उसके बाद पग मार्क्स के अलावा जो डायरेक्ट साइटिंग्स होती है हमारे स्टाफ ने भी अभी करा है उसी एरिया पर जहाँ पर हमने पाँच दस मिनट पहले देखा है हम वहाँ पे भी चेक करें बिकॉज आप जैसा देख पा रहे हैं पूरे तो एरिया में गन्ना भी लगा हुआ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द एनिमल हेयर तो यहाँ पे हम ड्रोन के माध्यम से उसका हीट सिग्नेचर चेक करते हुए इसको भी सर्च करते हैं बट इसमें एक इशू और आता है क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे आपके सामने अभी हम कर रहे थे इस पूरे एरिया में यहाँ पे जैकल भी मिले हैं और जैकल और वुल्फ सिमिलर से दिखते हैं साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है बट वो ड्रोन जो चल रहा है ऊपर 400-500 मीटर पे उससे असर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सो व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज कि अभी जो इसके हायर पैचेस हैं जो ठंडे पैचेस है जहाँ पे ये रेस्टिंग पैचेस हैं वो हमने कुछ आइडेंटिफाई करे हुए हैं ऑलरेडी तीन वुल्फ बीच पे पहले रेस्क्यू भी करे हैं यहाँ से तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे जो हायर पैचेस हैं उनको जिसको कछार कहते हैं यहाँ पे उस पर हम चेक भी कर रहे हैं वाटर लॉक्ड टाइप के और उसमें अभी हम उसको चेज़ कर रहे हैं इसके अलावा हम उसको तीनों तरफ से हम दो तरफ से उसको कैच करके वी ताकि हम उसको आ, एक बार कॉर्डन ऑफ करके एक छोटा सा लोकलाइज करेंगे लोकलाइज करने के बाद उसको रेस्क्यू करने का काम करेंगे uh, वेटेर है वो हमारे ट्रैकलाइजिंग गन के साथ हमारे साथ मौजूद है तो जैसे हम लोकलाइज कर देते हैं है, उनका नंबर कुछ है जिसको आप अभी है हाँ जी आइडियली यहाँ पे अभी हमने तीन वो uh, जिसको हम चेक कर रहे हैं जिसमें दो वुल्फ एक साथ रह रहे हैं और एक वुल्फ हैज लेग्स उसका जो पगमार्क है पगमार्क पे भी एक पग पे वेट कम पड़ रहा है तो यू कैन सी फ्रॉम द पगमार्क आल्सो एक की डेप्थ कम है एक पग मार्क की ज़्यादा है जिससे ये भी असर्टन हो रहा है एंड दिस इज आल्सो बीन वेरीफाइड हमारे पुराने भी जो ड्रोन में भी उसकी वीडियोस आए हैं उसके पैर में कोई नुक्स है जिसकी वजह से आइडली uh, मतलब इट वुड बी हंटिंग आउटसाइड द फूड चेन दिस इज अ वेरी दिस इज द प्रोबिलिटी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्टिमेशन वी के नॉट से एनीथिंग फॉश और ये बट आइडली दिस इज वॉट वी आर

दे लाइक टू बी वेरी सॉलिटरी दे आर नॉक्टर्नल दे आर सॉलिटरी ये थोड़ा अलग सा रहने की कोशिश करते हैं और बड़े जानवरों की जहाँ पे स्मेल होती है उसको अवॉइड करते हैं ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं इस केस में चूंकि ह्यूमन को अवॉइड नहीं कर रहे लुकिंग फॉर अदर बिगर एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स है उसकी जो डंग्स हैं एलिफेंट डंग को हम मंगवा के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट हमारे पास जो सरकारी एलिफेंट्स हैं उनके डंग को हम मिला के आर ट्राइंग टू बर्न इट सो दैट उसकी जो स्मेल रहेगी एटलीट द एनिमल कैन आइडेंटिफाई अ देयर इज एन एनिमल देयर इज एन एलिफेंट इन द एरिया दैट कुड ऑल्सो बी अ डेटर बिकॉज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी और मासूम बच्चे की या किसी भी आदमी की कोई जान नहीं जानी चाहिए नहीं। तो वी आर ट्राइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स जिसमें हमारे रेवेन्यू और पुलिस से भी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारा सपोर्ट मिलकर और डेथिफिकल्फ आइडियली अगर देखें तो वो ट्रेवल अपी टू से डे और अभी जो हम पैटर्न जिसमें स्वीप कर रहे हैं जहाँ पे अभी हमने देखा है जहाँ पे इंसिडेंट साइट से है आप उसको बाई रोड ने अब अगर एरियल डिस्टेंस चेक करेंगे तो एरियल डिस्टेंस टेन किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको दिखेगा अराउंड फाइव टू तो सेवन किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस है एंड इट इज़ क्रॉसिंग स्मॉल रिविलेज सो विच इज मतलब इजी फॉर देम क्योंकि ये रोड से नहीं जाते हैं वो तो अक्रॉस अपना सीधा uh, हम एरियल डिस्टेंस ही उनका चेक करेंगे तो वो उनका जो मूवमेंट पैटर्न है वो उस हिसाब से है तो ये फाइव से सिक्स

यहाँ पे आ, स्टाफ द्वारा ही साइटिंग हुई है यहाँ पे और लोगों द्वारा भी उसी एरिया पे जैसा कि आप देख रहे हैं हम ड्रोन से अभी उसकी साइटिंग कर रहे हैं द मोमेंट इट वाज देयर वो फटाफट निकल के आगे चल चुका है इसी कड़ी में हमें दो जैकल भी दिखे हैं अभी वी रूल दैट आउट एक्सप्रेसिवली उसके बाद ही वी मूवड फॉरवर्ड क्योंकि इस एरिया में अगर यहाँ पे दो या तीन वुल्फ की प्रेजेंस है तो कम से कम सौ जैकल्स की भी प्रेजेंस है तो उसको भी रूल आउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें काफी एनर्जी और टाइम भी उसमें जाता है क्या मान के चल रहे हैं कब तक इसको आप पूरा कर पाएंगे इस ऑपरेशन को और क्या लगता है कि अब क्योंकि लगातार घटनाएं भी लगातार हो रही हैं देखिए हम तो पूरा अपने उससे लगे हुए ट्वेंटी फोर सेवन वी आर देयर वी आर ट्रैकिंग इट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो ट्राइंग आर बेस्ट एंड वी आर होपिंग बाई योर बेस्ट विशेष और हम सोच रहे हैं कि इसमें जितना जल्दी हो सकता है हो जाए बट आपके माध्यम से मैं बस एक ही अपील करूंगा जो भी बारहबंकी बहराइच के यहाँ पे जो भी लोकल देख रहे हैं लोग कि जिनको भी आपको अगर कोई भी शक का थोड़ा सा भी दिखता है बिकॉज इट इज़ अ कैंडेड पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बड़ा क्लियरली कि कौन सा है कोई भी कैंडेड अगर आपको दिखता है जैसे जैकाल दिखता है सी दिखता है वीडिया दिखता है कुछ भी आपको दिखता है इस टाइप का तो उसकी सूचना तत्काल एक नंबर पर करें अपनी निकटतम पुलिस चौकी पर करें हर गाँवों इस क्षेत्र के महसी तहसील क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने भी हर यहाँ पे प्रयास किए हुए हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी किए गए हैं कप्तान साहब द्वारा भी किए गए तो आप रेवेन्यू की टीम पुलिस की टीम आ, या विधायक जी के माध्यम से या फॉरेस्ट की अपनी टीम को आप सूचित जरूर कीजिए ताकि हमें लोकेशंस मिलती रहेगी वो दैट इज डेटा सेट फॉर अस उस, हम उसी के हिसाब से ट्रैक करते जाए बहुत नजदीक आ चुके हैं उसके पकड़ने में देखिए अब वी आर होपफुल जितना जल्दी हो सके हम भी वी आर ऑलसो ट्राइंग आर बेस्ट तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ऑपरेशन चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है वो लगातार नजर रखी जा रही है जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर मूवमेंट अभी देखा गया है गाँव वालों की तरफ से तो इसीलिए टीम यहाँ पर है और ट्रैक करने की कोशिश कर रही है हालांकि जो भेड़िया है उसकी आप जो चल भागने की क्षमता है वो काफी तेज होती है एक आम जानवर की तुलना में तो ऐसे में कड़ी चुनौतियां भी सामने है लेकिन जिस तरीके से लगातार बहराइच में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और खासतौर पर पिछले चालीस दिनों में जहां पर लगभग नौ मौतें अभी तक हो चुकी हैं इसके मद्देनजर प्रशासन ने अब तकनीक के सहारे और परंपरागत और गैर परंपरागत तरीकों से कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के जरिए इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है ऐसे कैमरा मैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा